Friends, this is Vikram Prasad baliya Wala in the USA or America. In this video, I have shown that it is April 2024, spring season has arrived, and it is time to work in the yard removing unwanted grasses, rocks, leaves, stones. So here me and my wife work together you know even though we are in our age 80s we love to work outside as you can see here we are working very nice temperature of almost 70 degrees fahrenheit so it is time to work and remove the grasses so that we can plant any other flowering and other kind of plants so it is a ritual every year in in the winter it's very difficult in Michigan that we do not work we hibernate for almost six months but when spring season comes we start working so please watch see and see our ritual nature <coughs> excuse me and... गार्डेनिंग uh, जो मेरे हिंदी स्पीकिंग भाई हैं इस वीडियो में हम ये दिखाए हैं कि देखिए मिशिगन में बहुत बर्फ़ गिरता है ठंडक रहता है तो छः महीने तक हम लोग घर से यूजली बाहर नहीं निकलते हैं अनलेश ज़रूरी हो निकलने के लिए शॉपिंग के लिए उसके लिए बराबर हम लोग दो हफ्ते पर जाते रहते हैं तो ये है कि जब स्प्रिंग सीजन शुरू होता है या बसंत आता है तो उस वक्त में हम लोग स्टार्ट करते हैं बाहर में काम करना घास निकालना जो पत्ते इकट्ठा करना तो ये है काम करने का सिस्टम देखिए जो आप फेंस देख रहे हैं उस उस बगल में हमारे नेबर का है इधर में हमारा है और हम लोग कैसे काम कर रहे हैं कैसे पत्ते इकट्ठा कर रहे हैं कैसे जो है घास निकाल रहे हैं ताकि गार्डनिंग कर सकें तो ये याद रखिएगा कि जो स्प्रिंग सीजन होता है मई जून खास करके उस वक्त में लोग फ्लावर प्लांट लगाते हैं हम लोग भी लगाए हुए हैं और निकले हुए हैं और जो हम आपको दिखाए भी हैं तो ये, ये रिचुअल है बिजी रखने का जो आप अगर रिटायर्ड हैं तो आपको बिज़ी रखना है गार्डनिंग करने के लिए सबसे अच्छा है और घास निकालना फिज़िकल एक्टिविटी करना ए, जो है एरिया को साफ़ करना ये जो है हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है तो दो घंटा तीन घंटा जो है हम लोग सुबह में दस बजे से करीब एक घंट एक बजे तक काम करते हैं उसके बाद में अपना लंच खाते हैं और उसके बाद रेस्ट करते हैं तो यही देखिए ये, ये रिचुअल जो है मिशगन का या अमेरिका का ख़ास करके ये मिशगन की बात है वेस्ट बलूम फील्ड की बात है कि कैसे हम लोग जो हैं अपने को बीजी रखते हैं और हम लोगों को इतना अच्छा लगता है नेचर वॉच करना चिड़ियों को सुनना और देखना और जो है गार्डन में काम करना अभी इसके अलावा हम आपको और भी दिखाएंगे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आना शुरू हो गए हैं तो ये अभी इसमें हम यही दिखाए हैं कि कैसे हम लोग जो है घास निकाल रहे हैं और घास को कहीं कहीं जो है एक कंपोस्ट बनाने बनाने के लिए डाल देते हैं ये कभी भी फेंकते नहीं हैं ये जो है बड़े यूज़फुल होते हैं तो आप आप जानते हैं कि सूखे पत्ते हुए या ग्रीन प्लांट्स हैं उनको फेंका नहीं जाता है लोग चाहते हैं कि उसको कंपोस्ट बनाए और गारबेज में नहीं फेंके तो ये चीज़ जानना जरूरी है कि अमेरिका में लोग बड़े कॉन्शस हैं जो है गार्बेज बैग में नहीं फेंकते हैं डंपस्टर में नहीं फेंकते हैं और ये जो है घास निकालने के बाद में कंपोस्ट बीन में उसको डालते हैं ताकि कंपोस्ट बने और फिर उसको री यूज़ करें तो ये चीज़ जानना बहुत अच्छा है कि अमेरिकन वे ऑफ लाइफ क्या है और हम और हमारी वाइफ दोनों आदमी हम लोग मिल के काम करते हैं तो इस तरह से जो है लाइफ चलता है तो याद रखिएगा कि रिटायर्ड लाइफ जो है इन एक्टिव पीरियड होता है लाइफ का लेकिन अगर आप चाहें तो उसको आप बीजी रख सकते हैं और आपको मैं यही कहूँ यही कहूँगा कि आप भी जो हैं एक कुछ वेजिटेबल लगाएं फ्लावर लगाएं और बीजी रखें ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है तो ये देखने लायक है कि हम लोग कैसे गार्डनिंग कर रहे हैं ये अभी शुरू है और उसके बाद में जून जब आता है या पंद्रह मई से लोग फूल लगाना शुरू करते हैं आ, और वेजिटेबल वगैरह लगाने का जो बात होता है प्लांट वो जून फर्स्ट वीक से शुरू होता है क्योंकि मिचिन में फ्रास्ट आता है और वो जो जो छोटे छोटे नर्सरी के पौधे अगर आप लगा दिए तो वो मर जाते हैं तो इसलिए लोग जो हैं मिशन में शुरू करते हैं वेजिटेबल प्लांट्स लगाना टमाटर हुआ बीन हुआ और पेपर मिर्ची का तो ये कई किस्म के जो वेजिटेबल बैगन हुआ ये सारे लोग जो है ये सारे जो है पेड़ नर्सरी के लोग जून के फर्स्ट वीक से लगाना शुरू करते हैं क्योंकि वहाँ उस वक्त में टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है बाहर में काम करने में बहुत अच्छा लगता है तो ये देखिए कि ये जो हम लोग घास निकालते हैं या जो पत्ता इकट्ठा करते हैं उसको हम लोग फेंकते नहीं हैं कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं कंपोस्ट एरिया में और वहीं पर इससे जो है कंपोस्ट बनता है छः महीने के बाद में फिर इसको यूज किया जाता है तो ये रिचुअल बहुत ही अच्छा है ओल्ड एज में काम करने का बिजी रखने का जो आप फेंस देख रहे हैं उस पार में मेरे नेबर हैं बहुत ही अच्छे और इस पार में हम लोगों का एरिया है जो कि घर के पीछे में ये देखिए मेरी वाइफ जो हैं जो कुछ घास है खाली जगह है लो एरिया उसमें डाल रहे हैं तो ये सब चीज़ जो है बहुत ही अच्छा हैबिट है या भी कहिए काम करना बिजी रखना तो हेल्थ के लिए अभी भी हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें नमस्कार